आज की भी सबसे बड़ी दस्तक देश की संसद में चलती अविश्वास प्रस्ताव की बहस है, जहां आज राहुल गांधी ने मणिपुर की महिलाओं का मुद्दा उठाया, उनका दर्द बताकर भारत माता की हत्या कर दिए जाने की बात के साथ सरकार को घेरना चाहा, तो स्मृति ईरानी ने कश्मीर, बंगाल, सिख दंगा, राजस्थान, असम तक महिलाओं के साथ हुए पुराने अत्याचारों का जिक्र और एक लंबी फाइल खोलकर रख दी देश के सामने। फिर शाम को गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, 2 घंटे से ऊपर का लंबा उन्होंने भाषण दिया, मणिपुर पर बहुत सारे सवालों का आज उन्होंने जवाब भी दिया और अंत में विपक्ष को साथ मिलकर मणिपुर में शांति की अपील तक सदन से करने के लिए कहा। इस सदन ने मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव करना चाहिए तो मणिपुर की दोनों जूथों को शांति रखने की अपील सदन के इस गुरु से जाए। जो एक गृह मंत्री के लिए जो आग्रह किया है कि पूरे सदन की तरफ से एक अपील होनी चाहिए ताकि मणिपुर में शांति की बहाली हो सके। जो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन से अपील की है, आप इस पे सहमत हैं या नहीं है? और इस तरह जिस मणिपुर के लिए शांति की अपील सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन होती है, वो मणिपुर भी अपने हिस्से की शांति की बहस देश की संसद में होते देखता है। 2 दिन से जिस संसद में जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, उन्हें संसद के भीतर मणिपुर पर चर्चा करते हुए मणिपुर ने देखा देश के गृह मंत्री को मणिपुर पर जवाब देते हुए। अब जनता की दस्तक क्या है ये बताएं, उससे पहले देखिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन के भीतर 11 घंटे की चर्चा के बाद कुल 13 घंटे की चर्चा में 2 घंटे तक गृह मंत्री के जवाब मणिपुर पर क्या रहे? बोलो मणिपुर, मैं बताता हूँ, मैं फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया। सम्माननीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटे। भाई, आग की लपटे अभी तो मणिपुर में मैं आता हूँ क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और हिंसा में 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद लगातार 40 मिनट से ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह उसी मणिपुर की हिंसा पर एक एक करके जवाब देते रहे, जिसको लेकर संसद के मानसून सत्र का पहला हिस्सा हंगामे में बर्बाद हुआ। सबसे पहले गृह मंत्री ने इसी बात का जवाब दिया कि क्या सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी या फिर नहीं थी। एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था, मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बताओ। प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, मैं day 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे, किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं मान्यवर? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगले 5 मिनट तक विस्तार से गृह मंत्री ने मणिपुर की हिंसा की वजह के बारे में सदन को बताया कैसे 6 साल के राज में कभी पहले कर्फ्यू तक मणिपुर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद दूसरा जवाब गृह मंत्री ने विपक्ष की तरफ से सदन में पीएम के मणिपुर पर ना बोलने के सवाल का दिया है। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंडोर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा
अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने, आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और मुझे नहीं बोलने दिया। मान्यवर 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी एक साल तक चला और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, एक साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ। बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से, ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं, वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अमित शाह ने इसके बाद पूरा हिसाब दिया कि कैसे सरकार से लेकर सेना तक मंत्रियों ने अलग अलग 4 मई की हिंसा के बाद मणिपुर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखी, फैसले लिए। विपक्ष पूछता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया, तो इस बात का भी जवाब गृह मंत्री ने आज सदन को स्पष्ट तौर पर दिया। तीसरा जवाब गृह मंत्री ने विपक्ष के सवाल का दिया कि आखिर क्यों मणिपुर के मुख्यमंत्री को अब तक नहीं हटाया गया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस CAPF के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, DGP बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, DGP भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया, 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने DGP बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के DGP को स्वीकार कर लिया, हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को, मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। CM तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे, ये CM कोऑपरेट कर रहा है। हालांकि सदन में इस जवाब को सुनकर कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद गौरव गोगोई संतुष्ट नहीं हुए। अमित शाह का बयान सुनने के बाद सदन के बाहर फिर सवाल उठाया। लगभग 5,000 हथियार पुलिस थानों से लूटे गए हैं, लगभग 6,00,000 गोलियां लूट हो गई है, और उसके पश्चात भी गृह मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कोऑपरेशन है कि भीड़ जाती है पुलिस थानों में और AK-47 लूटते हैं और लोगों पे चलाते हैं। चौथा जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इस आरोप का दिया कि 90 से ज्यादा दिन से मणिपुर जल रहा है और सरकार नहीं देख रही। UPA के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेट लगाए जाते थे, एक साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेट रहा, 5 साल तक ब्लॉकेट लगे, और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने में। मान्यवर 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में, आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। पांचवा जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप का दिया कि भारत के मणिपुर को सरकार ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को
मन के साथ भारत के साथ जुड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं आठों राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने हजार किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है। ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये बताता है, ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसक हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर की हिंसा पर जवाब देते हुए एक बार फिर से किसी अन्य राज्य यानी बंगाल, राजस्थान की इस बार बात नहीं की, अपना पूरा जवाब मणिपुर पर दिया, मणिपुर पर हर एंगल से दिया, वहां पर बताया कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों हुई है, कौन सा मंत्री कितने दिन वहां पर जाकर रहा है, मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देश की जनता को सदन के माध्यम से बयान, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे, इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया?